हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विंडो 10 या विंडो 8.1 या विंडो 11 आप यूज कर रहे हो तो आपके बार बार ये एक्टिवेट वाला ऑप्शन है वो आ रहा है, जो आपको डिस्प्ले के अंदर दिखाई दे रहा है कि विंडोज को आप है वो एक्टिवेट कीजिए। कुछ ही टाइम में आप है वो विंडो को एक्टिवेट है वो कर सकते हो, छोटी सी सेटिंग करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम लोग कैसे विंडो 10, विंडो 8.1 और विंडो 11 को वो कैसे एक्टिवेट करने वाले हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को वो सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और चल के देखते हैं कि विंडो 10 को या विंडो 11 को या विंडो 8.1 को हम लोग कैसे एक्टिवेट करने वाले हैं। स्क्रीन के अंदर ये दिखाई दे रहा होगा कि विंडोज को वो एक्टिवेट करना है। सिंपली हम लोग इजी तरीके से वो एक्टिवेट करने वाले हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको सिंपली करना क्या है, क्रोम ब्राउजर के अंदर आपको सर्च करना है विंडोज। आपके पास 10 है तो 10 लिख देना, विंडोज एक्टिवेट TAX, ठीक है। सर्च करना है वो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे वो क्लिक करना है। तो इस टाइप से कुछ है वो विंडो पॉपअप है वो ऑन होगा, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो सिंपली आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है ऑल और पूरे को आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। तो मैंने यहाँ तक सेलेक्ट किया और इस पूरे को क्या कर लिया, मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपको सिंपली डेस्कटॉप पे आ जाना है और नोटपैड है वो ओपन कर लेना है और यहाँ पे आके आपको कंट्रोल के साथ पेस्ट है वो कर देना है। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको सेव एज फाइल करूँगा, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे वो सेव कर लेता हूँ। फाइल को आप कोई भी नाम है वो यहाँ पे दे दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे दे दिया एक्टिव। लास्ट में ध्यान रहे डॉट और कैपिटल में नहीं लिखना, स्मॉल में लिखना है, ACT.BAT ये लास्ट में लगाना कंपलसरी है। देखिए .BAT लगाना है वो कंपलसरी है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो क्लिक करना है और सिंपली फाइल को वो डेस्कटॉप पे सेव कर देना है। तो अब डेस्कटॉप पे है वो फाइल आ चुकी है, वो यहाँ पे देख लीजिए डेस्कटॉप पे वो ये फाइल है वो आ चुकी है। ध्यान रहे इस फाइल को रन करने से पहले अपने सिस्टम के अंदर एंटीवायरस को वो कुछ टाइम के लिए डीएक्टिवेट कर दीजिए, डिसेबल कर दीजिए। अब यहाँ पे सिंपली इस फाइल को मैं रन करता हूँ, तो आप देख लीजिए यहाँ से विंडो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ये नाम वगैरह सारे हैं वो हट जाएंगे। तो कुछ टाइम के लिए वेट करता हूँ, इंटरनेट कनेक्ट रहना कंपलसरी है, ध्यान रहे। तो ये देखिए ये नाम हट गया और यहाँ पे आ गया है कि जो विंडो है वो एकदम सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। देखिए प्रोडक्ट सक्सेसफुल एक्टिवेट, वही दबाना है रिस्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से देखिए वो एक्टिवेट वाला ऑप्शन है वो हट चुका है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ऐसे ही आप इजीली वो अपना विंडो है वो एक्टिवेट है वो कर सकते हो, चाहे वो विंडो 10 हो, चाहे 11 हो, चाहे 8.1 हो, कोई सा भी विंडो सिंपली एक्टिवेट कर सकते हो। इस तरीके से हम लोग है वो विंडो 8.1 या विंडो 10 या विंडो 11 है वो एक्टिवेट है वो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और आपको नॉलेज मिला होगा। ऐसे टेक्निकल से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।